सऊदी अरब ने आज़मीन हज को हज जवाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा के लिए किया खबरदार। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना और आज़मीन गुजरा वतन करने का ऐलान। हमास की जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी के बावजूद रफा पर इसराइली बम्बारी, 12 फलस्तीनी शहीद। रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का कब्जा, गैर मुल्की डॉक्टर्स छोड़ रहे हैं रफा। रफा में घुसने वाली फौज पर अलकसाम ब्रिगेड का हमला, टैंक तबाह, मुतादित इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का भी किया दावा। हिजबुल्ला ने भी ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजियों को किया हलाक। पुलवामा हमले पर फिर उठ रहे हैं सवाल, फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को ठहराया कसूरवार। तो पंजाब कांग्रेस सदर अमरिंदर सिंह राजा ने कहा, फौज पर हमले का सियासी इस्तेमाल करती है बीजेपी, ताकत के लिए कुछ भी कर सकती है भाजपा। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा, पीएम ने अडानी अंबानी पर लगाया थैले भर भर कर ब्लैक मनी देने का इल्जाम, बयान से खुद फंसते नजर आ रहे हैं मोदी। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में चल रही है इंडिया अलायंस की हवा, अखिलेश यादव का दावा, कहा 3 मरहलों की वोटिंग में आवाम ने पलट दी बीजेपी की बाजी।